या वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, और आप देख रहे हैं जीतो एक मिनट में विद फैमिली। और क्योंकि आज जीतो एक मिनट का आखिरी एपिसोड है हमारे इस सीजन का, तो हमने जाहिर सी बात है ये नहीं करना था, लेकिन आप लोगों के इतने मैसेजेस आए हुए थे कि प्लीज फैमिली को बुलाएं, इन दोनों की भी ये ख्वाहिश थी कि यहाँ पर आए खेलें, तो हमने कहा क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और आज इस लास्ट एपिसोड में फैमिली को बुलाया जाए ताकि ये लोग आके यहाँ पे खेलें, आप लोग भी इंजॉय करें और देखें और एक घरेलू माहौल बना हुआ हो, घरेलू माहौल बना हुआ हो। लेकिन मैं जैसे बहुत सारे शोज में मैंने ये कहा है कि ये गेम्स बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ लोगों ने हमें ये भी शिकायत की कि आप लोगों ने गेम्स इतनी मुश्किल रखी हुई। मैंने कहा भाई ऐसी कोई मुश्किल गेम्स नहीं है, बच्चे आ गए यहाँ पे जीत के गए, आयत से भी छोटे बच्चे थे वो, तो बल्कि मैंने इनको कहा था कि 20 लाख तो वहां पर एक नया बड़ा गेम बनाया जिसमें आग का समंदर हो, उस पर छलांग लगानी है आपने, अगर जिंदा बच गए तो 20 लाख ले आएगा, नहीं तो हम आपको कहीं आग का समंदर, अल्लाह माफ करे, ये कोई अलग ही लाया, 20 लाख नहीं होगा 20 करोड़ हो गए, ठीक है 20 लाख ही बहुत है गरीबों के लिए भाई, हम गरीबों से पूछे साहब। नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन आग के समंदर में क्यों कूदना है भाई, जैसा हम आए कूदना तो सबने उसमें ही है। हाँ बस मुझे गेम खेलनी है। ओ भाई ये बहुत, मैंने कहा ना आयत से 2 साल बड़ी है। अच्छा अच्छा हाँ प्लीज चले जी भाई साहब। द गेम बिगिंस 3, 2, 1 स्टार्ट। ना हाँ तीन करने हैं, तीन हो जाएगा भाभी। एक हो गया, भागो। ये गेम आपको क्यों खिलवाया सना बताएं जरा क्यों? तो कल ऐसे अंडा लेकर आना है आपने मेरे लिए नाश्ते में। मैं अंडा वहीं छोड़ दूंगी खुद लेके इतने आराम आराम से, बल्कि मुर्गी लाके रख देंगे आपके आगे, हिम्मत है इससे बोलो दे। नहीं मुर्गी दे देगी अंडा मुझे देख के। बड़ा आप मकबूल चल रहे मुर्गियों में। बाबा अल्लाह का शुक्र है जितने अंडे खाते हैं, हालांकि मुझे देख के भाग जाती है मुर्गियां। हाँ तो भाई ये बहुत अंडे खाता है ये, लेकिन ये भी मजे की गेम थी। हाँ मजा, बैलेंस करना सारी बड़ी मजे की। काश मेरी भी शादी होती, मेरे बच्चे और मेरी बीवी आप लोगों को टफ टाइम देती तो यहाँ पर तो कर लो, कर लेंगे 20 साल के बाद एक और शो ऐसा। कम से कम 12 साल के बाद, 14 हाँ। साल के बाद। अबे क्या आप लोगों के मेरी काबिलियत पे शक है? अबे तो वो 11 साल की है ना। हाँ ना इसके साथ हो ना फिर, तब तक आयत 22-23 साल की हो जाएगी। वो होस्ट कर रही हो। हाँ ये अच्छी चीज है। चलो कोई सवाल करना चाहते हैं आप लोग फैसल भाई उनकी फैमिली से? अबे तुम करना चाहती हो क्या? पूछें क्या क्या पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी लव मैरिज हुई है अरेंज? हमारी सेमी अरेंज। हमारी लव मैरिज को अरेंज कर दिया फिर। और फर्स्ट मुलाकात कहाँ हुई? ये पूछ लिया उसने, ये मैंने पूछ लिया। कुछ और कोई कुछ पूछना चाहता है? और कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी शादी को तकरीबन कितना टाइम हो गया? तकरीबन नहीं यकीनन 12.5 साल हो गए। गिन गिन के दिन गुजार रहे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आई आवाज? अच्छा वालेकुम सलाम। असल भाई मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ आप सीरियस है घर में या सही रहते हैं? सीरियस है, तभी तो 2 बच्चे। आज होगा यार भाई आप दे जवाब, सीरियस हूँ के सॉरी। आपको क्या लगता है सीरियस है या नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल सीरियस नहीं। अच्छा मैंने सीरियस ये है। हाँ हाँ मैं हूँ, मैं आयत फरमान एक जैसे हैं। मुझे लगता है मुझे 3 बच्चे संभालने पड़ते हैं और सबसे ज्यादा जो मैसी है ना वो ये है बड़ा वाला। हाँ और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सना मैम
हाउसवाइफ है या फिर कोई काम करती है या कोई जॉब या कुछ भी एक्स वाई जेड? नहीं, अभी तो मैं इसके पैदा होने से पहले मैं करती थी, लेकिन फिर टीचिंग फिर मैंने छोड़ दिया। अब व्लॉगिंग करती हैं थोड़ी थोड़ी, हाँ कभी कभी, बिकॉज बच्चों के साथ मैनेज करना इट्स नॉट इजी। तो फैसल भाई की बिजी इतनी लाइफ है तो उनको देखना पड़ता दोनों बच्चों को। हाँ, फोकस सारा भाभी का ही है। हम तो सुबह निकलते हैं घर से 8 बजे, रात को 10-10:30 बजे घर में घुसते हैं। और कोई सवाल? अरे पूछ लो आपा, माशाल्लाह गुंडा। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का कपल बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। थैंक यू, थैंक यू। हमें कह रही है बच्चे भी अच्छे हैं माशाल्लाह से। थैंक यू, बच्चे भी अच्छे हैं। मामा पे गए? हाँ नहीं, नहीं, अभी वो छोटा वाला। आप ना अपनी आंखें चेंज करवाएं, चेक ना करवाएं, चेंज करवाएं, बल्कि डोनेट कर दें। हाँ बिल्कुल। मुझे तो यही सुनने में आता है कि दोनों बच्चे मुझ पे नहीं है। नहीं नहीं, फैसल भाई पे तो दोनों मुझ पे नहीं। हाँ। बेटी आप में दादा मिलती है माशाल्लाह से। अब मिलना शुरू हो गई है ना, अब थोड़ा साथ रहते ना तो शक्ल एक जैसी हो गई। और कोई सवाल? मैं तभी कहूँ मेरा रंग क्यों बैठ रहा है आजकल। आप अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं, 48 शोज किए ना, अट्रैक्टिव हो गए आप। ठीक है, और कोई सवाल? मैं बता। फैसल सर, आप अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं? लो ये दो क्या मुल्क के हालात पे पैदा हुए क्या? ये कोई गूगल से थोड़ी डाउनलोड किए? फिर भी शादी से पहले शादी मोहब्बत ही है शादी के बाद? सीरियसली बताता हूँ, मैं वाकई दिल से प्यार भी करता हूँ, इज्जत भी करता हूँ। नहीं करता होता तो 5-6 बच्चे होते हैं। हाँ, बदला लेने का एक नया निंजा टेक्निक। शादी से पहले ज्यादा मोहब्बत ही है शादी के बाद? प्यार करते हैं तो आपको उसका ख्याल भी करना होता है, तो उसका ख्याल करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसको ध्यान से रखा जाए, प्यार से रखा जाए। होले होले, बात मानता हूँ बेगम। और भी सवाल ये की जा रही है, शायद किताब बच्चों से आगे नहीं बढ़ रही है, पता नहीं। और कोई सवाल? चलो गेम करें ना, सवाल क्या, चलो मर्दी है आपकी। वो पब्लिक आपसे इंटरेक्ट करना चाहती थी इसलिए बस। चलो आगे आ जाएंगे कुछ अभी। और रुको, अब सवाल थोड़े रोको, क्लिक और लिखो फैसल भाई किताब अभी आके। क्लिक टू इंटेलेक्ट, क्लिक टू इंटरेक्ट। एक मिनट में इंस्टा शो विद मी मतीरा, आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. Catch up! किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।